आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बी फार्मा की छात्रा ने फंदे से अटक कर गवाई जान। थाना रामकोट क्षेत्र के रेसौरा कॉलेज बी फार्मा का कोर्स कर रही थी छात्रा, बुधवार की देर शाम हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटक कर जान गंवा दी। घटना के कारणों का नहीं चल सका पता, 3 महीने पहले ही लिया था एडमिशन। पुलिस कारणों की जांच में जुटी। मृतका अदिति मिश्रा 18, पुत्री प्रवीण मिश्रा मवाना रोड मेरठ की रहने वाली थी। बी फार्मा के कोर्स के लिए वह किराए पर हॉस्टल में रहती थी। बुधवार की देर शाम उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। इसकी जानकारी होते ही पड़ोस में रह रही अदिति की बुआ उसको लेकर आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा की खुदकुशी करने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जानकारी होते ही रामकोट पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पेशेंट का नाम अदिति मिश्रा है, 18 साल की लड़की है, और ये हमारे यहाँ 9:10 पे आई 24 फरवरी 2021 को। ये रहने वाली हैं, मतलब जहाँ से लाई गई, इसके फूफा जो मृतका के फूफा हैं सुधीर मिश्रा और बुआ पूजा मिश्रा, दोनों लोग लेके आए। तो ये लोग वहाँ रसौरा कनवा खेड़ा सीतापुर शिक्षण संस्थान के थाना रामकोट सीतापुर के रहने वाले हैं, जिसको हमने मर्चरी में रखवा दिया है। क्या वजह रही, कैसे मरी, कुछ पता चला? अभी तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा क्या है। प्रथम दृष्टया क्या लगा? हम हमारे यहाँ आई तो ब्रॉड डेड है। क्या कुछ हैंगिंग या जहर खाना? अब जो भी क्लियर है तो पोस्टमार्टम के बाद। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एसडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।